अभी हम जमशेदपुर के नया बाजार जुगसलाई एरिया में मौजूद हैं। हमारे साथ वर्मा फैमिली है। वर्मा फैमिली के तीन मेंबर्स गौतम, विकास और उनकी दादी को एक भीड़ ने चाइल्ड लिफ्टिंग के नाम पे यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे एक लिंच मॉब ने, एक मर्डरस मॉब ने उनको पीट पीट के मार डाला। ये घटना 18 मई 2017 की है। हम जानेंगे इन फैमिली मेंबर्स से कि क्या हुआ था वो पूरा इंसिडेंट। तो रात भर बैठ के बिहान किए कि अब बच्चा मेरा ठीक है, आएगा ठीक है, आया। भीड़ सुबह उठा तो आदमी लोग आने लगे, तो हम लोग पूछे क्या हुआ, इतना भीड़ लगा दिया, क्या क्या हुआ, इसी पूछ रहे। सब बोला विकास गौतम नागाड़ी में मार दिया गया। हम रोते रोते पर 18 मई 2017 को हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट किए थे। जब दो तीन दिन पहले ही हुआ था स्टार्टअप, जो विकास सेफ्टी टैंक मेरे छोटे भाई के नाम से जो हम लोग स्टार्टअप किए थे, और ये बैनर लगाने का काम चल रही थी। और इस क्रम में हम लोग बैनर लगा करके वहाँ से उस एरिया से आई थे कि शाम में मेरे छोटे भाई बोले कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या काम किया है ना, तो उसका एक बार जायज़ा ले लिया जाए। और हम लोग बैनर जो लगाया कहीं कोई फाड़ तो नहीं दिया ना, तो हम बोले ठीक है यार, शाम हो गया, सुबह चलेंगे, क्या दिक्कत है, अभी रहने दो। और क्या क्या करना था प्लानिंग शाम में ही हम लोग कर लेते थे कि कैसे कल का क्या प्रोसेस है, वो हिसाब को ले करके हम अपने मेरे भाई साहब फोर्स कर दिए, विकास वर्मा, विकास मेरे छोटे भाई, और हम लोग उसको ले करके मतलब नागाड़ी की तरफ बढ़ चले। नागाड़ी जब गए तो जाने के बाद जब हम लोग वहाँ से मतलब वही भाई से यही बता रहे थे कि मतलब ये सब जगह में बैनर आगे तक लगा हुआ और ये सब जगह में जो है घर बना है, ये सब जगह में भी आप डेवलपमेंट जो हो रहा है इसमें आप अगर बैनर लगा दिया जाए तो आगे कमिंग फ्यूचर में काम अगर मिलेगा तो क्लियर किया जाएगा। यही बात करके हम लोग वहाँ से रिटर्न ही हो रहे थे कि वहाँ के आदमी लोग, ग्रामीण लोग सब रोक लिए और बच्चा चोर करने लगे। छोटे भाई जो है उसके पास आईडी कार्ड नहीं रहने के कारण हमको फ़ोन करना पड़ा गौतम को। मेरे मझले भाई यहीं थे, गौतम को फ़ोन किया हम लोग, गौतम ऐसा है बात है, हम लोग फंस गए हैं नागाड़ी में, सभी लोग फंसा दिया और हम लोग ये भी नहीं बोल पाए कि बच्चा चोर करके मतलब इन लोग सेंटीमेंट पूरा बिगाड़ दिया है वहाँ का, ऐसा कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब भाई को इतना डरे हुए थे हम कि गौतम हमको यही बोले कि नागाड़ी में हम लोग फंस गए हैं, आईडी कार्ड लेके तुम जल्दी आ जाओ और माँ को भी लेके आ जाना। इतना इसलिए बोल दिया क्योंकि हो सकता है बहुत जन माँ को देखेगी तो मतलब अलग होता है कि भाई माँ आई है तो ये लोग सही आदमी होगा। राजा राम हंसदा, जगत माडी और विभीषण सरदार, ये सब तीनों मिल करके मतलब वहाँ भीड़ को इकट्ठा करते जा रही थी, समझे ना, कि ये लोग बच्चा चोर पकड़ाया और ऐसे करके इकट्ठा। और फिर सभी हथियार से मतलब कुल्हाड़ी, तीर धनुष, डंडा उंडा सब ले करके मतलब सब लेस होकर इकट्ठा होने लगे। उन लोग कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, समझे ना। इसी बीच हम लोग मतलब बहुत समझाया गया, समझाने के बाद ये लोग सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं था। ये लोग खाली मारो मतलब ऐसा मतलब आईडी कार्ड दिखाने के बाद भी मतलब हम लोग इतना समझाया कि भाई देखो, हम ये भी बोले कि बाल बच्चेदार आदमी यार, हम लोग बगल के आदमी, हम लोग कहे झूठ मोड़ मतलब हाथ सब जोड़ रहे हैं हम लोग, मतलब बोल के हम लोग मतलब गला सूख गया, लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच पुलिस की मतलब एंट्री हो जाती है, बोलते हैं थाना प्रभारी बोलते हैं कि अगर बच्चा चोरी है तो भाई ये लोग चलो, तुम लोग भी चलो पांच जन, और ये लोग भी चलेंगे, जो होगा थाना फैसला, अगर बच्चा चोर है तो वहाँ फैसला होगा, जो भी होगा, अगर ये गलत है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो वो लोग बोले नहीं नहीं ये लोग कहते हैं हम लोग जाने नहीं देंगे ऐसा, मतलब वो लोग और मूव और मतलब बढ़ता चला गया। गंगेश जो है गौतम का दोस्त है, बोला कि अगर हम लोग गाड़ी में अगर बैठ जाते हैं, अगर हम लोग गाड़ी में बैठ जाए पुलिस का जीप में तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। तो ये लोग क्या ना मतलब झटका दे के गाड़ी का जीप में बैठने के लिए कोशिश किया, और मतलब गाड़ी जीप में बैठने के बाद भी
इन लोगों को तीर मतलब खींच कर निकाल कर मारने लगा, तो उस समय अमीश हुसैन जी जो है थाना प्रभारी, वो बोले बच्चा चोर है तो मारो, जबकि ये बात को बोलना नहीं चाहिए, बच्चा चोर है तो मारो, ये तो आप प्रूफ नहीं कर सकते। एक भी बच्चे की चोरी चाइल्ड लिफ्टिंग का केस हम लोगों को नहीं मिला। पहले ही समान समान भी नहीं था सर कोची, एकदम सब आदमी हम लोग मिल करके रहते थे, कोची के लटपट नहीं होता रहा सर पहले, अब वही आज इतना चोरी बदमाशी सब कुछ हो रहा है सर, पहले ही सब नहीं था। ये जो थाना प्रभारी जो है उनके बाद जो है तीन चार जीप पहुंच गई थी वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि थाना प्रभारी खाली अमीश हुसैन जी थे, और भी बहुत जन पहुंच गया था। अगर वो लोग चाहते, अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो मेरे भाई को दादी माँ को बचाया जा सकता था। पुलिस बोला कि बच्चा चोर है, छोड़ दो मत मारो, हम ले जाते हैं थाना, इसको मारपीट करके हम चालान करेंगे। एक 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 भी आदमी उसको मारता नहीं, बताइए लकड़ी काटे का कुल्हाड़ी से सर मार दिया, ये लकड़ी का कुल्हाड़ी से काटने का है सर, तलवार गड़ा था एकदम खतर खतर के, कहीं चेहरा नहीं था तीनों बेटा को जैसा मारा है सर, अब इसका इंसाफ आप लोग के पास है। पुलिस ने कार्रवाई जो की उसमें 29 नामजद थे, उसमें तीन जन को छोड़ करके कम से कम 26 का लगभग हम लगभग बता पाएंगे इसको, 26 का लगभग इन लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें सबका बेल हो गया, एक जन राजा राम हंसदा ही अभी मैन तैंगज, तो और भी है सर जगत मार्डी, विभीषण सारा, बहुत जन ये करता है, डॉक्टर मार्डी, ये सब भी है, लेकिन ये लोग फरार नहीं, ये लोग मतलब पकड़ा ही नहीं, मतलब इतना मतलब पूरी तरह फेलियर है लोग। पहले तो भैया सब थे तो ऐसा कभी फीलिंग नहीं होता था, मतलब डर का एहसास, सबसे पहले तो डर का एहसास हो गया कि कल को मेरे भाई को फिर कुछ ना हो जाए, और क्या बोल, और प्रशासन तो पूरी तरह जिम्मेवार है, अगर प्रशासन सही काम अगर वो अपना जिम्मेवारी को निभाते तो आज मेरा दोनों भाई क्या तीनों भाई जिंदा होते और मेरी दादी माँ भी। गांव देहात में शाम के समय लोग गर्मियों में जब खेती बाड़ी जब ख़त्म हो जाती है तो लोग शाम में बैठते हैं चौपाल में, अपनी बातचीत करते हैं और तरह तरह की कहानियाँ होती हैं, उसमें वर्षों से एक अफवाह रहती है कि भाई बच्चों को बचाओ, बच्चा चोर घूमता, इस तरह की बातें लोग करते थे। लेकिन पिछले वर्ष इन सब रूमर्स को व्हाट्सएप के जरिए प्रसारित किया गया। अभी दिल बहुत खराब लगता है, अभी तक हमको याद आते हैं, जिसका माँ का दो बच्चा जाएगा उसका दिल में कैसा गुजरता है वो ही जाने, दूसरे कोई नहीं जानेगा।